आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज मैकेनिक, आप देख रहे हैं PA2 व्हीलर चैनल। दोस्तों आज मैं स्प्लेंडर बाइक की सर्विस करने जा रहा हूं दोस्तों, तो आप देखिएगा मैं किस तरह से बाइक की सर्विस करता हूं दोस्तों, और आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसके टायबिट गेसे करूँगा दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे से सहारनपुर में काम कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी खुद की वर्कशॉप है दोस्तों, और आप मेरी वीडियो को देखते रहें दोस्तों, मैं वीडियो डालता रहता हूँ। मैंने अभी अभी नया चैनल शुरू करा है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दो दोस्तों, ये हमारी स्प्लेंडर बाइक है, इसकी सर्विस होने जा रही है। अब हम 10 की गोटी और 8 की गोटी लेंगे। इसका सबसे पहले 10 की गोटी से निचले वाला चैन कोर को खोल लेंगे। इसका नीचे वाला अब हम सबसे पहले चैन कोर खोलेंगे और फिर ऊपर वाला चैन कोर खोलेंगे। क्या आ रहा है भाई? आज तारे भी साउंड गया। तो दोस्तों हमारी बाइक अब रैंप पर लग चुकी है। अब हम इसको रैंप को ऊपर उठाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको हर एक एक चीज़ बताऊंगा जो सर्विस में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरे पास 17 का गुटका है और टामी है, मैं इससे इसके बोल्ट को खोल लूँगा ऑयल के। तो ये अब हमारा ऑयल निकल रहा है, ये देखिए, ये मैंने बोल्ट लूज़ कर दिया है और अब सारा बोल्ट सारा तेल निकल गया है, देखिए। अब इसका तेल थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा, हम बाकी का काम शुरू करेंगे। तो हमारे पास यह है स्क्रू ड्राइवर, अब हम इससे एयर फिल्टर कवर को खोलेंगे। ये पैनल है लेफ्ट साइड का, इसके अंदर एयर फिल्टर होता है। तो ये हमारा एयर फिल्टर कवर है, हम इसको खोलेंगे। ये हमारा कवर निकल चुका है, अब हम ये फ़िल्टर को बाहर निकालेंगे। अगर ख़राब है तो उसको चेंज करिए, फ़िलहाल ठीक है। मैं इस पर हवा मारूंगा ब्लोअर से, ये मैं इसकी अच्छी तरह धूल मिट्टी निकल जाएगी। ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है सर्विस में। तो हम इसको लगाएंगे। और अब हम इस कवर को फिट करेंगे। ये हमारा कवर फिट हो रहा है, ठीक है। अब हम पिछले पहिए पर आ जाते हैं। अब हम इसके नट को खोलेंगे अच्छी तरीके से। और ड्रम प्लेट के नट को खोलेंगे। और 19 नंबर का ये एक्सेल का नट है, इसको खोलेंगे। तो दोस्तों हम इसके पहिए को बाहर निकाल लेते हैं और इस पॉकेट को चेक करेंगे अच्छी तरीके से। इसका जो अंदर बैरिंग होता है उसे देख लेंगे, तो खराब है तो चेंज कर लेंगे, अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर लेंगे और इस पर ग्रीस लगाइए। तो दोस्तों अब हम चैन पर ग्रीस को लगाएंगे, हल्का हल्का ग्रीस लगाएंगे
ग्रीस लग चुका है, अब हम चैन ऊपर वाले चैन कवर को लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें दो बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, हम 10 की गोटी की मदद से दोनों बोल्टों को टाइट करेंगे। तो हम नीचे वाला चैन कवर लगाएंगे। और दो बोल्ट इसके लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसके पिछले पहियों के जो ब्रेक शू हैं इनको रेक मार से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अगर ख़राब है तो इनको चेंज करिए, ड्रम को अच्छी तरीके से साफ़ करिए रेक मार से। अगर आप ये साफ़ नहीं करोगे तो फिर आपके ब्रेक आवाज़ करेंगे, ठीक है। इन पर रेक मार मारना, इनको खोलना बहुत ज़रूरी है सर इस पर। तो इनको इस पहिए को खोल कर अच्छी तरीके से रेक मार से साफ करिए और हल्का हल्का ग्रीस लगाकर पहिए की कपलिंग रबड़ को चेक करिए। अगर कपलिंग रबड़ ख़राब है तो इनको बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ठीक है, मैं इसको पहिए को फिट कर देता हूँ। अब हम इसमें एक्सल लगाएंगे और इसके बूश को लगाकर हम पहिए को फिट करेंगे। और इस चैन अडजस्टेड है, अब हम इसको लगाएंगे और 19 नंबर के नट को लगाएंगे और नीचे ड्रम प्लेट के नट को लगाएंगे और फिर ब्रेक तान को लगाएंगे। तो भी दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। तो दोस्तों ब्रेक पैडल में हल्की सी पले का होना बहुत ज़रूरी है और चैन को सेट करिए। चैन में हल्की सी पले होनी ज़रूरी है। इसमें दो नट होते हैं चैन स्टैंड में, एक 12 का और एक 10 का। तो चाबी से इसको हम चैन को सेट करेंगे, बराबर सेट करेंगे। इधर भी निशान है और पल्ली तरफ भी इस पर निशान बने हुए देखो, और चैन स्टैंड पर भी छोटा सा निशान है आपको दिख जाएगा। तो इनको बराबर देख कर हम ड्रम प्लेट के नट को टाइट करेंगे और चैन को बराबर टाइट करके फिर हम सारे नटों को लॉक कर देंगे। और ये देखिए इसमें पले का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चैन का टाइट होना सर्विस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपकी चैन फिट है तो आपकी बाइक सही चलेगी, नहीं तो ग्राहक आप पे कंप्लेन करेगा कि मेरी चैन आवाज़ कर रही है बाइक की। और चैन की बहुत बड़ी समस्या है, चैन को हमेशा सही तरीके से सेट करोगे तो चैन में आवाज़ नहीं आएगी। तो आप पलक साफ़ करेंगे, पलक को हम तार की मदद से साफ कर लेते हैं। आपके पास रेकमार हो या तार हो हम उसकी मदद से इसको साफ करेंगे। तो हम थोड़ी सी बाइक को राइट हैंड में झुकाएंगे जिससे कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से सारा निकल जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें ऑयल डालने जा रहे हैं। इसमें मैं 20-40 वेलवोलिन का ऑयल डालूंगा। इसमें 900 ml तेल डलता है, 900 ml। तो दोस्तों ऑयल हमेशा ओरिजिनल ही डालिए, ये बाइक की जान होती है ऑयल। इसमें ऑयल हमेशा ओरिजिनल ही डालिए और 900 ml गेज से देखते हुए पूरा करिए। इसमें 900 ml ही डलता है। तो मैं इस पॉकेट कवर लगा देता हूँ। तो इसमें तो 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, दोनों 8 के बोल्टों को टाइट करेंगे। अच्छी तरीके से दोनों बोल्टों को टाइट करिए। अब हम इसका टाइमिंग मिलाएंगे,
हम डेबिट करने जा रहे हैं। ये मेरे पास 10 की एल की है और एक 6 की एल की से हम। तो दोस्तों मेरे पास ये 17 नंबर की चाबी है, मैं इससे डेबिट कवर के बोल्ट डेबिट कवर की कैप को लूज़ करूँगा। अब हम दोनों डेबिट कवर की कैप को खोल लेते हैं। और ये 14 की मेरे पास गोटी है, मैं इससे टाइमिंग को मिलाऊंगा। और आप यहाँ टाइमिंग को अच्छी तरीके से मिलाइए। और ये देखिए जब टाइमिंग मिल जाएगा तो एक टी टी जैसा निशान आपको यहाँ नज़र आएगा, जो ये ऊपर वाला 6 की एल की का बोल्ट है, इसमें आपको एक छोटा सा टी का निशान नज़र आएगा। ये देखिए ये छोटा सा टी का निशान है, इस पे यहाँ लाकर और गोटी को घुमा के देखिए, अगर आपके टैबिटो में हल्की सी पलाया है तो समझ लीजिए आपका टाइमिंग ओके है। तो ये दोस्तों मेरे पास 0.5 mm का गेज है, इससे हम इसके टैबिटो को मिलाएंगे। टैबिट हमेशा गेज से ही करनी चाहिए। तो मैं अच्छी तरीके से 0.5 mm के गेज से इसके दोनों टैबिट करूँगा। ये ऊपर वाला इनलेट वाला है और नीचे वाला एग्जॉस्ट वाल, मैं दोनों वालों को अच्छी तरीके से सेटिंग करूँगा इनकी। इससे आपके गेज से सेटिंग अच्छी होगी, साउंड भी अच्छे आएंगे और पिकअप भी अच्छा रहेगा। यह एग्जॉस्ट वाल, एग्जॉस्ट वाल को भी हम 0.5 mm के गेज से करेंगे। इसके स्प्लेंडर प्लस के दोनों वाल, दोनों टैबिट 0.5 mm के गेज से ही होते हैं। तो हम इसके दोनों टैबिटों को अच्छी तरीके से करेंगे। हमारे टैबिटों को लॉक करके अब हम टैबिट कैप को लगाएंगे। ये हमारी टैबिट कैप अब लग चुकी है और हम मैग्नेट कवर के दोनों बोल्टों को लगाएंगे, 10 की एल की के और 6 की एल की का बोल्ट। ये हमारे दोनों बोल्ट लग चुके हैं। अब हम कवर को लगाएंगे, पैनल कवर को, और पेस्ट टाइट करेंगे। अब हम स्टार्ट करके देखेंगे बाइक को और फिर बाइक को नीचे उतार देंगे। अब हर जगह ऑयलिंग करेंगे अच्छी तरीके से, लीवरों की परे चेक करेंगे, ऑयलिंग करेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम बाइक पर पॉलिश मारेंगे अच्छी तरीके से, सारे में पॉलिश मारेंगे। दोस्तों पॉलिश ज़रूर मार दीजिए गाड़ी पे, घास खुश हो जाएगा और अच्छी शाइनिंग भी आएगी। और हम सर्विस चिट को लगाएंगे, ये लगानी बहुत ज़रूरी है जिससे कि ग्राहक को पता रहे हमारी बाइक कितनी चली है। जैसे कि ये 17,000 कुछ चली है, तो 17,000 लिख कर ऊपर 2,000 बढ़ाकर उस पर चिट पर लिख दीजिए कि 2,000 पर सर्विस होती रहे, तो ग्राहक को हम पता रहेगा और आपके पास टाइम पर आ जाएगा, उसकी बाइक में भी नुकसान नहीं होगा, वो ना उस शिकायत करेगा कि मेरी बाइक ज़्यादा चल गई है। तो ये चिट का, सर्विस चिट का होना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको सफल कर देगी, इनका चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारी सर्विस आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों हमने अभी भी नया नया चैनल शुरू कराया है दोस्तों, ठीक है, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और आपकी सपोर्ट की मदद से हमारा चैनल अच्छा चल सकता है। दोस्तों मैं आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।